नवरात्रि का आज नौवां दिन है, जिसे हम रामनवमी व महानवमी के नाम से जानते हैं। आज का दिन माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के नौवे दिन इनकी उपासना की जाती है। ऐसे में भक्तगण पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ देवी की उपासना करने के लिए मंदिरों में पहुंच गए हैं। ये जो झलकियां आप देख रहे हैं, ये मुंबई स्थित मुंबा देवी से आ रही हैं, जहां माता का भव्य श्रृंगार किया गया है। भक्तगण माता की एक झलक पाने के लिए कतारों में खड़े दिख रहे हैं। वे हाथ जोड़े और आंखें मूंदे अपनी मनोकामनाएं माता के सामने रखते हैं। प्रयागराज स्थित अलोपी देवी मंदिर में भक्तगण देवी को फूल और फल अर्पित करते दिखे। आज के दिन मंदिर में भव्य सजावट की गई है। घंटों की ध्वनि से पूरा वातावरण शुद्ध हो उठा है। रात का दिन चल रहा है, आज अष्टमी नवमी दोनों दिन पड़ रहा है। अलोप संकरी माता में तो हर समय खास रहता है दर्शन करने के लिए। क्या क्या चढ़ा रहे हैं जी? ये रोट है, रोट में हलवा पूड़ी चना चढ़ाया जाता है, बतासे चढ़ाए जाते हैं। यहाँ जो दर्शन करने का उसकी मनोकामना पूरी होती है। जी जी बिल्कुल सही कहते हैं, यहाँ दर्शन करिए, आइए, पूरी मनोकामना पूरी होती है। हम लोग अलोपी देवी का दर्शन करने आए हैं। क्या खास बात है यहाँ की? ये शक्ति पीठ है, यहाँ की बहुत मान्यता है। अयोध्या स्थित छोटी देवकाली माता मंदिर में भी फूलों और पत्तों से देवी का श्रृंगार किया गया है। देवी का रूप देखते ही बन रहा है। दिल्ली स्थित छतरपुर मंदिर में भी देवी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा दिखा। भक्त बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंचकर माता के दर्शन कर रहे हैं। वाराणसी के अष्टभुजा देवी मंदिर में श्रद्धालु नवरात्रि के नौवे दिन हवन पूजन करते दिखे। मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली।